हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप स्टेटस के हिडन फीचर्स के बारे में जो आपको 2022 में डेफिनेटली पता होना चाहिए। अगर आप स्टेटस लगाते हैं या स्टेटस देखते हैं तो ये फीचर्स के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर्स है, ये फीचर्स आपको पूरे लाइफ टाइम काम आएगा। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में व्हाट्सएप स्टेटस की 8 ऐसी हिडन फीचर्स जो अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा आप लोगों को। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी के लिए जो स्टेटस लगाते हैं या स्टेटस देखते हैं। पहले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ मैं समझाऊंगा डिटेल्स में। जो चौथे नंबर की सेटिंग्स है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए, जो नए यूज़र हैं चाहे पुराने व्हाट्सएप यूज़र हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, चौथे नंबर का फीचर जरूर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है सभी के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, लाइक तो फ्री में है। तो देख सकते हैं दोस्तों साइड की स्क्रीन पे, यहां मैं बताऊंगा डिटेल्स में जिससे आप लोग इजी तरीके से समझ पाएंगे। तो पहला फीचर है दोस्तों ये है कि जब हम किसी का स्टेटस देखना चाहते हो, हम चाहते हो कि जब हम किसी का स्टेटस चोरी छिपके देख भी ले और सामने वाले को पता भी ना चले कि हमने उसका स्टेटस देख लिया, तो ये सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं दोस्तों। जब भी आप चाहते हैं कि बहुत है बार ऐसा होता है कि हम किसी का स्टेटस देखना चाहते हो और चाहते हो सामने वाले को पता भी ना चले, तो उसके लिए दोस्तों आप लोग क्या करना है, सिंपल तरीके से 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे अकाउंट दिख रहा होगा, अकाउंट पे क्लिक करना है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद प्राइवेसी में जाना है। प्राइवेसी में जाने के बाद देखिए दोस्तों, ये जो आप लोगों को रीड शिफ्ट का ऑप्शन है, आप लोगों को इसको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद दोस्तों आप भी नहीं देख सकते कि आपका स्टेटस किस किस ने देखा है, ना ही आप जिनका स्टेटस देखेंगे उनको पता चलेगा कि आपने उनका स्टेटस देख लिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं इसको ऑफ कर दूंगा, उसके बाद अब मैं किसी का स्टेटस देख भी लूँ ना तो भी उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने इसका स्टेटस देख लिया है। काफी कमाल की ट्रिक थी दोस्तों। सेकंड फीचर्स काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये फीचर्स काफी को जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम पार्टी में गए या कहीं पे भी गए, उसकी वीडियो बनाया हमने, अब हमारे पास वो वीडियो 2 मिनट का है, अब हम उस वीडियो को स्टेटस पे लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं दोस्तों। अब भी हम सिर्फ 30 सेकंड की वीडियो लगा सकते हैं, बट हमारे पास 1 मिनट की वीडियो है, 2 मिनट की वीडियो है, 3 मिनट की वीडियो है, कहीं पार्टी के या घूमने की, हम उसको लगाना चाहते हैं व्हाट्सएप के स्टेटस पे, तो कैसे लगा सकते हैं लॉन्ग वीडियो को दोस्तों। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आप लोगों को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। 30 सेकंड आप लोग को प्ले स्टोर पर लिखना है और ये तरह की लोगो होगी, आप लोग क्या करना है यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद देखिए दोस्तों कुछ इस तरह आपका इंटरफेस आएगा, यहाँ पे लिखा है क्लिक टू ऐड फाइल वीडियो, आप लोग को यहाँ पे टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद दोस्तों उस वीडियो को आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है जो वीडियो को आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों देखिए, ये हमारे पास 1 मिनट की वीडियो है 58 सेकंड की। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टैप करूंगा। यहाँ पे टैप करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोगों को कहीं लगता है कि आगे पीछे से बेकार है तो आप लोग कट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे अच्छा है तो मैं यहाँ पे टैप करके क्या करूँगा, श्योर कर दूंगा। श्योर करने के बाद देखिए, आप अगर चाहते हैं तो कोई खराब पार्ट है तो आप लोग काट भी सकते हैं। यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं, लेंथ की 58 सेकंड की है, ये नॉर्मल नहीं लगेगा व्हाट्सएप पे बट यहाँ से लग जाएगा। हमें क्या करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप लोग को चंद सेकेंड रुकना है अपना नेट ऑन करके, उसके बाद ये हमारा रीडायरेक्ट कर देगा व्हाट्सएप की स्टेटस पे, तो सीधे रीडायरेक्ट कर देगा हमारे ये व्हाट्सएप पे। उसके बाद हम डायरेक्ट लगा सकते हैं अपनी लंबी से लंबी वीडियो व्हाट्सएप की स्टेटस पे, चाहे 2 मिनट की हो, चाहे 4 मिनट की हो, चाहे 10 मिनट की हो, आप लोग कंटिन्यू लगा सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग था, बहुत जनों ने कमेंट किया सर हम अपनी लंबी वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस पे कैसे लगाए, तो कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। फीचर्स नंबर 3, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप अगर अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा रहे हैं और चाहते हैं कि मैं व्हाट्सएप के स्टेटस पे म्यूजिक लगा पाऊँ अपने फोटो वीडियो के साथ, जैसे हम व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लगा पाते हैं वैसे हम व्हाट्सएप पे भी लगा पाए, तो कैसे लगा सकते हैं दोस्तों। उसके लिए आप लोगों को ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, स्टोरी वीटा, ठीक है दोस्तों, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप लोग स्पेलिंग देख के प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सिंपली दोस्तों आप लोग क्या करना है, इसको ओपन करना है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे गेट स्टार्ट, उसके बाद कुछ इस तरह दिखेगा दोस्तों। आप लोग जिस फोटो पे वीडियो पे म्यूजिक लगाना चाहते हैं उसको क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ से ऐड कर लेंगे जो भी फोटो वीडियो जो भी हो, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हमें टैप कर लेना है। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे टैप करने के बाद जो भी फोटो, जैसे कि मैं ये फोटो लगाऊं, अब मैं इसमें कोई म्यूजिक ऐड करना चाहता हूँ तो सिंपली देखिए दोस्तों यहाँ से ये म्यूजिक है, आप लोग यहाँ पे म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, कोई सी भी म्यूजिक सर्च मार सकते हैं। देखिए दोस्तों बहुत सारी म्यूजिक आ गया, आप लोग क्या करना है उसके बाद डाउनलोड कर लेना, इसको आप लोग सीधे यहाँ से शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप की स्टेटस पे। काफी यूजफुल फीचर है, आप लोग डायरेक्ट म्यूजिक लगा सकते हैं। बहुत सारे जने ने कमेंट किया था कि सर हम अपने व्हाट्सएप की फोटो पे म्यूजिक कैसे लगा सकते हैं, तो आप लोग इस तरह लगा सकते हैं काफी इजी तरीके से।
फीचर्स नंबर चौथा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत बार होता है कि हम कहीं घूमने जाते हैं या कहीं शादी पार्टी में और हम फोटो क्लिक करते हैं अपने दोस्तों को दिखाने के लिए कि देख मैं यहाँ पे गया था। तो वैसे में दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि आप लोग बिना बताए स्टेटस लगाए और उनको पता चल जाए कि आप कहाँ गए हैं, शिमला गए हैं, कश्मीर गए हैं, कहाँ गए हैं, ताजमहल। वैसे में दोस्तों क्या करना है, देखिए मैं आप लोग जैसे कोई फोटो लगाते हैं स्टेटस पे, जैसे कि मैंने फोटो लगाया ठीक है, अब मैं चाहूँ कि इस फोटो को ही डायरेक्ट यहाँ पर लोकेशन ऐड हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा देखिए, तो यहाँ पे लोगों पे क्लिक करना है, लोगों पे क्लिक करने के बाद लोकेशन टैप करना है, लोकेशन टैप करने के बाद देखिए दोस्तों आप लोग जहाँ पे भी गए हैं ठीक है भाई, हाँ यहाँ पे गया, जैसे मैं यहाँ पे घूमने गया तो अब मैं यहाँ पे लगा दूंगा। लगाने के बाद क्या होगा देखिए दोस्तों, मैंने जैसे कि यहाँ पे ये स्टेटस लगा दिया, अब मेरा दोस्त क्या करेगा यहाँ पे टैप करेगा, वो मेरा स्टेटस देखेगा, कहेगा अच्छा भाई यहाँ पे यू पे टैप करके वो भी लोकेशन देख सकता है कि मैं कहाँ कहाँ अभी हूँ, मैंने कहाँ फोटो क्लिक किया है। काफ़ी अमेजिंग चीज़ है अपने दोस्तों को जेलिस फील कराने के लिए या उनको बताने के लिए इस फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फीचर्स पाँचवा दोस्तों, ये भी काफ़ी यूजफुल है, अभी तक ये भी नहीं पता होगा आप लोग को कि आप लोग जैसे कोई स्टेटस पे वीडियो लगाते हैं, जैसे कि मैंने कोई वीडियो लगाया दोस्तों, इस वीडियो में क्या है गाली गलोच है बैकग्राउंड में, म्यूजिक में या कोई शोर शराबा है, मैं चाहूँ कि यार इस वीडियो का ना माउथ वीडियो लगे, मतलब साउंड ना लगे सिर्फ वीडियो वीडियो लगे, तो उसके लिए जैसे देखिए दोस्तों मैं इस वीडियो को टैप करूंगा, इस वीडियो को टैप करने के बाद अगर इस वीडियो में कोई गाली गलोच है या कुछ भी, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको एक माइक का दिख रहा होगा ऑप्शन, आप लोगों को माइक पर टैप कर देना, उसके बाद क्या करना है वीडियो लगा देना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका वीडियो साइलेंट होकर लगेगा, मतलब आपके वीडियो में जो बैकग्राउंड म्यूजिक या कुछ भी वो नहीं लग पाएगा। काफी यूजफुल फीचर है, मैं बहुत सारे जने में देखता हूँ कि शोर शराबा सब लगा देते हैं स्टेटस पे, तो यार इस तरह आप लोग माउथ कर सकते हैं वीडियो की शोर शराबा। फीचर्स नंबर छठा, ये भी काफी यूजफुल है दोस्तों, इसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। जैसे कि हम चाहते हैं कि स्टेटस किसी का नहीं देखना, या कुछ जने होते हैं जिनका हम चाहते हैं कि हमारा है, उनका स्टेटस हमारे सामने कभी ना आए, बट क्या करें नंबर तो सेव करके रखना पड़ेगा फिर भी, तो उसके लिए देखिए दोस्तों आप लोगों जैसे ये स्टेटस है, अब मैं चाहूँ तो ये यूट्यूब का जो भी मेरा दोस्त है, अब मैं चाहता हूँ यार इसका स्टेटस ना आए क्योंकि बार बार सैड सॉन्ग या जो भी लगाता है, तो उसके लिए क्या करना है यहाँ पे टैप करके रखना है, टैप करने के बाद एक माउथ का ऑप्शन आएगा, माउथ कर दूंगा, तो इसका क्या होगा स्टेटस अब छुप गया, मतलब ये स्टेटस लगाएगा पर मेरे सामने नहीं आ पाएगा। काफ़ी यूजफुल फीचर है, बहुत जने इरिटेट होते हैं, कुछ ना कुछ आपके कॉन्टैक्ट में जरूर ऐसा होगा जो गंदे गंदे स्टेटस लगाता है या सैड वाला, तो आप लोग बोर हो चुके हैं, तो इस तरह उसको माउथ कर सकते हैं। सातवां फीचर्स दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस है, जैसे मैं इनमें से किसी का स्टेटस डाउनलोड करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ, जैसे कोई मुझे कुछ अच्छा लग गया किसी का गाने का है या फेस्टिवल्स में या कोई त्यौहार आता है उन्हें लगाया तो मेरे को अच्छा लग गया, तो मेरे को मांगना ना पड़े मैं डाउनलोड कर पाऊँ, तो कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आप लोग को एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। देखिए दोस्तों आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा WAPRO, ये डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड करने के बाद देखिए दोस्तों आप लोग को टैप करना है, टैप करने के बाद देखिए दोस्तों सिंपली यहाँ पे आ रहा है सेव स्टेटस, आप लोग सिर्फ ये डाउनलोड करके छोड़ देना अपने फोन में, और जिसका भी स्टेटस डाउनलोड करना है तो यहाँ से टैप करना है, टैप करने के बाद देखिए दोस्तों सिंपली यहाँ पे जाना है, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये इन्होंने आज स्टेटस लगा रखा है, तो आप लोग यहाँ से सीधे अपने मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं, डाउनलोड हो गया ये वाला स्टेटस। देखिए अब मैं यहाँ से कुछ भी कर सकता हूँ इस स्टेटस को, जैसे कि मेरा स्टेटस सेव हो गया, अब मैं यहाँ से सेव भी कर सकता हूँ, देखिए दोस्तों सेव करके टैप करने के बाद देखिए ये मेरा सेव हो गया अपने फोन में। काफ़ी यूजफुल चीज़ है दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्टेटस मांगना पड़ जाता है, तो मांगने वाली चीज़ें छोड़ो अपडेट ऐसे डाउनलोड कर लो। फीचर्स नंबर आठवां, जो ये फीचर्स आपको पूरे लाइफ टाइम काम आने वाला है दोस्तों, क्या करना है व्हाट्सएप ओपन करना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आप लोग अपने व्हाट्सएप में स्टेटस लगाते हैं जैसे कि यहां से, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को स्टेटस प्राइवेसी समझ लेना है। क्या है स्टेटस प्राइवेसी, यहाँ पे टैप करना है, यहाँ पे टैप करने के बाद आप लोगों को तीन ऑप्शन दिखेगा, माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्टेड ओनली सी विथ मी, ये तीन काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है मैं बता रहा हूँ, देखिए दोस्तों पहला क्या है माय कॉन्टैक्ट, इसका मतलब होता है कि आप लोग को जिसने नंबर सेव कर रखा है, आपने जिसका सेव कर रखा है वो आपका स्टेटस देख पाएगा। सेकंड क्या है दोस्तों, देखिए सेकंड क्या है माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्टेड, अगर आप लोग यहां पे टैप करके देखना चाहते हैं तो मतलब कुछ लोग हैं जिससे आप लोग स्टेटस छुपाना चाहते हैं, जैसे मम्मी पापा हो गए और बाकी सबको दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको क्या करना है टैप करने के बाद उनको हाइड कर देना है, जिसको भी आप लोग छुपाना चाहते हैं, जैसे कि ये आपको ओके कर देना है, तो अब सबको दिखेगा, बस मैंने जिसको सेलेक्ट करके ओके किया उसको नहीं दिखेगा।
थर्ड नंबर के फीचर्स, ये ओनली सी विथ मी, आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे आ गया या कुछ भी, आप लोग सिर्फ कुछ एक जने को दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई सिर्फ इसी को दिखे, बाकी किसी को भी ना दिखे, तो आप लोग को यहाँ पे टैप करना है। उसके बाद क्या करना है, जिसको भी दिखाना है दो चार बंदे को या एक को, वो उसको उनको सेलेक्ट करके ओके कर लेना है। इससे क्या होगा, सिर्फ उन्हीं को स्टेटस दिखेगा, बाकी किसी को नहीं दिखेगा। तो ये थे व्हाट्सएप के स्टेटस की प्राइवेसी सेटिंग्स। और दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनती है, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इन फीचर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और आप इस वीडियो को शेयर भी कर दे जिससे आप लोग के दोस्तों को फैमिली मेंबर्स को भी पता चल पाए। कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है टेक्निकल गोविंद इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में, जब तक आप लोग व्हाट्सएप का मजे लीजिए इसी तरह बंदे मातरम। और दोस्तों आप लोग जी भी व्हाट्सएप को कभी यूज ना करें, इससे आपकी प्राइवेसी को नुकसान है।